नॉर्थ कोरिया उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां आप अपनी मर्जी से अपने घर का कलर भी नहीं चेंज करवा सकते। यहां सब कुछ सरकार की मर्जी के मुताबिक होता है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां के रूल और रेगुलेशन बहुत ही अजीब हैं और यहां की बातें इतनी आसानी से पता नहीं चलती। यहां की बातें सिर्फ उन्हीं लोगों को पता चलती हैं जो यहां से कुछ भी करके भाग निकलते हैं। तो चलिए जानते हैं नॉर्थ कोरिया की कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपको पता हो। आमतौर पर हर जगह 5 साल में एक बार नेता के लिए वोट किया जाता है, वैसे ही यहाँ भी सेम सिस्टम है। बस फर्क इतना है कि हर जगह नेता चुनने के लिए कई ऑप्शन होते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में बस किम जोंग को ही चुनना पड़ता है। किम जोंग एक बहुत ही खतरनाक आदमी है जो कि नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है। किम जोंग के खौफ की वजह से यहाँ कोई और इलेक्शन में खड़ा नहीं होता। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ आप अपनी मर्जी से टीवी के चैनल भी नहीं देख सकते। यहाँ आप बस वही चैनल देख सकते हैं जो यहाँ की सरकार अलाउ करती है। यहाँ की सरकार सिर्फ 3 चैनल अलाउ करती है जिसमें नॉर्थ कोरिया के बारे में ही बताया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया की सरकार ये नहीं चाहती कि यहाँ के लोगों को देश विदेश में होने वाली खबरों का पता चले, और अगर आप इसके खिलाफ जाते हैं तो आपको फांसी की सजा भी दी जा सकती है। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई ब्लू फिल्म देखता पकड़ा गया तो समझो वो दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। वैसे ही यहाँ बाइबल पढ़ने में भी मनाही है। यहाँ पर कोई भगवान को नहीं मानता, आपका भगवान भी यहाँ एक ही है और वो है किम और उसकी फैमिली। यहाँ आप हेयर स्टाइल भी अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हो। यहाँ सिर्फ 27 तरीके के हेयर स्टाइल ही अलाउड हैं, जिनमें से 17 औरतों के लिए और 10 मर्दों के लिए है। यहाँ शादीशुदा औरतों को लंबे बाल रखना सख्त मना है और मर्दों को 3 इंच से ज़्यादा बाल नहीं रखने देते हैं। और यह रूल यहाँ के नेता के लिए नहीं है, ये सिर्फ यहाँ के लोगों को फॉलो करना होता है। यहाँ की राजधानी है पियोंगयांग, और पियोंगयांग में कौन रहेगा इसका डिसीजन भी सरकार द्वारा लिया जाता है। पियोंगयांग में केवल अमीर लोग और सरकार के कुछ खास लोगों को रहने की परमिशन है। यहाँ कोई बिना परमिशन के नहीं आ सकता। अगर यहाँ कोई बिना परमिशन के आ जाता है तो उसे सजा मिलती है। नॉर्थ कोरिया में ब्लू जींस पहनना भी मना है। इसका कारण सिर्फ यह है कि नॉर्थ कोरिया की सरकार इसे अमेरिका का ट्रेंड मानती है और वह बिल्कुल नहीं चाहती कि यहाँ अमेरिका का ट्रेंड आए। नॉर्थ कोरिया में ड्राइविंग करना भी अलाउड नहीं है। यहाँ गाड़ी सिर्फ स्टेट ऑफिशियल्स को ही अलाउ की जाती है। नॉर्थ कोरिया में 1000 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों के पास ही अपनी पर्सनल गाड़ी है। इंटरनेट का इस्तेमाल आजकल कौन नहीं करता। नॉर्थ कोरिया में भी इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, परंतु यहाँ की सरकार ने गूगल और यूट्यूब पर ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि यहाँ की सरकार ये नहीं चाहती कि यहाँ के लोगों को दूसरे देशों में होने वाली बातों का पता चले। नॉर्थ कोरिया की सरकार ने अपनी एक ऐप भी बना रखी है और यहाँ के लोगों को सिर्फ वही ऐप इस्तेमाल करनी होती है। अगर आप कोई दूसरी ऐप चलाते पकड़े गए तो आपको कड़ी सजा मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थे नॉर्थ कोरिया के कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी नई नई वीडियो आपको दिखाते रहें। धन्यवाद।